Welcome everyone, and let's start with the first video of our playlist, which is the transfer story, the transfer procedure. तो क्या हुआ था? And main procedure में आने से पहले I would like to share छोटा सा story जो मेरे साथ में उस time पे हुआ था. Actually जो war था वो 24th of February को हुआ था in Ukraine. The invasion of Russia in Ukraine was on 24th in February. And मैं 20th of February को India पहुंच गया था. एंड बेसिकली मैं पूरे टाइम सेफ था बाई गॉड ग्रेस. एंड मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई बिकॉज मैं वॉर सिचुएशन में बहुत सारे लाइक क्रेजी क्रेजी आइडियाज़ थे और बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी थी. एंड टू बी ऑनेस्ट बिकॉज माई रियल सिस्टर शी लिव्स इन USA, सो उनकी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एडवाइजरीज पहले से ही पब्लिश कर दी थी टू लीव यूक्रेन एज सून एज पॉसिबल और ऐसे करके. सो बिकॉज ऑफ दैट मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा वरिड थी और उन्होंने मेरे को बस बोला कि एक बार के लिए तो तुम चले जाओ. एंड आई वॉज थिंकिंग कि यार वॉर तो नहीं होगी और ऐसा नहीं होता, तो मैं नहीं जाना चाह रहा था, मैं यूक्रेन में ही रुकना चाह रहा था बिकॉज आई थॉट कि वॉर नहीं हो सकती इस 21st century. बट नो, इट हैपेंड एंड बिकॉज ऑफ माई सिस्टर आई वॉज सेव्ड. और मैं 20th of February को इंडिया पहुँच गया था. एंड आई स्टिल रिमेंबर इट वॉज 24th of February एंड मैं सो रहा था एंड सडनली मेरे को मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स के कॉल आए थे कि ये वॉर सिचुएशन हो गई, आप कहाँ पे हो और ऐसे करके. और वो पूछना चाहते थे कि उनके बच्चे ठीक है कि नहीं है. आई रिमेंबर कि 24th of February को मेरे कुछ फ्रेंड्स कीव ट्रैवल कर रहे थे लवीव से टू गेट बैक टू इंडिया, बट उनके वाइल दे वर ट्रैवलिंग तभी अटैक हो गया और वो बहुत ज़्यादा कियोस हो गया था. और उस टाइम पे फिर मैंने सारे फ्रेंड्स वगैरह से डेली कॉन्टैक्ट में था एंड यस, बहुत प्रॉब्लम तो हुई थी उन लोग को बिकॉज ऑब्वियसली एकदम से पैनिक हो गया था और बहुत कियोस मच गया था पूरी सिटी में, पूरी कंट्री में. बट विद द हेल्प ऑफ आर गवर्नमेंट और सारे अलायंसेस एंड डिसेंट कॉन्ट्रैक्टर्स जिन्होंने काफ़ी हेल्प करा ये सारे प्रोसीजर में, इवेजन में, एंड ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स ओपन करवाए थे गवर्नमेंट ने विद द हेल्प ऑफ दैट, मेरे सारे फ्रेंड्स थोड़े टाइम में वापस आ गए. सो वी वर डन विद इट, वो पूरा प्रोसीजर हो गया. एंड देन आई वॉज कंटिन्यूइंग इन इंडिया फॉर द होल सेमेस्टर बिकॉज उस टाइम पे मेरे को ट्रांसफर इतना कुछ पता ही नहीं था कि वॉर कब चलेगी, कब तक नहीं चलेगी. तो हमारी क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी, तो मैं सेकेंड ईयर में था. तो सेकेंड ईयर में बेसिकली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं. अगर जो नॉन मेडिकल लोग देख रहे हैं इसको, जो मेडिसिन से रिलेटेड नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, तो बेसिकली मैं एक्सप्लेन करूँ अगर, तो सेकेंड ईयर तक नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं विच आर थ्योरेटिकल, जिसमें आपको क्लिनिक्स वगैरह में इतना ज़्यादा नहीं जाना होता है, तो यू कैन कंटिन्यू इट ऑनलाइन. बट वो सारा हुआ तो मैंने सेकेंड ईयर तक ऑनलाइन लिया. एंड अब हम सब के बीच में केओस मच गया था कि हमको ट्रांसफ़र लेना चाहिए या वेट करना चाहिए या वापस जाना चाहिए, और सब लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे. तो बेसिकली जो सारे स्टूडेंट्स थे उनके दो ग्रुप्स डिवाइड हो गए थे, एक जो ट्रांसफ़र लेने वाले थे, एक जो रुकने का सोच रहे थे. तो मैंने भी बहुत ज़्यादा सोचने के बाद में, पेरेंट्स से डिस्कस करने के बाद में ट्रांसफ़र लेने का सोचा. बिकॉज माई मेन मोटिव फॉर टेकिंग अ ट्रांसफ़र वॉज क्योंकि मैं थर्ड ईयर में आ चुका था एंड थर्ड ईयर में काफ़ी सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन करके उनको नहीं पढ़ सकते अच्छे से. आपको एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन चाहिए ही होता है, आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए ही होता है थर्ड ईयर से, बिकॉज आपके पास में काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारी सर्जरी हो गई है, सर्जरी स्टार्ट हो चुकी है, एंड आई डोंट थिंक कि ऑनलाइन क्लासेस से कोई सर्जरी पढ़ सकता है, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन. तो इसलिए मुझे ऑनलाइन कंटिन्यू नहीं करना था किसी भी सिचुएशन में, दैट्स व्हाई आई थॉट कि ट्रांसफ़र लेते हैं. तो ट्रांसफ़र लेने का सबसे पहला प्रोसीजर होता है कि आपको अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट लेना होता है, एंड ट्रांसक्रिप्ट इज़ बेसिकली योर रिपोर्ट कार्ड. एंड बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि यार तुम कैसे ट्रांसफ़र ले रहे हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री, इज इट इवन पॉसिबल? तो येस, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज जो इंडिया में ये एजुकेशन सिस्टम फॉलो नहीं होता है, बट आउट ऑफ इंडिया काफ़ी सारी कंट्रीज, लाइक मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज में क्रेडिट सिस्टम फॉलो होता है. लाइक यू गेट स्पेसिफिक क्रेडिट्स फॉर योर सब्जेक्ट्स, तो आपको वो क्रेडिट्स फुलफिल करने होते हैं. लाइक आई शो यू दिस, लाइक हेयर समवेयर आई पुट अप माई ट्रांसक्रिप्ट. तो आप देख रहे होंगे ये पूरी एक ट्रांसक्रिप्ट है एंड इसके अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट्स के क्रेडिट्स मिलते हैं. क्रेडिट इज़ बेसिकली योर मार्क्स फॉर द स्पेसिफिक सब्जेक्ट. तो आपको हर एक सब्जेक्ट में अगर आपके सेटिस्फैक्ट्री मीन्स आपने उसको डिसेंट मार्क्स से पास करा है, या फिर आपके गुड या फिर एक्सेलेंट, लाइक आपके सेटिस्फैक्ट्री से ऊपर होना चाहिए. सेटिस्फैक्ट्री इज़ लाइक यू पास द सब्जेक्ट, गुड इज़ लाइक यू वर गुड एट इट, एंड एक्सेलेंट इज़ लाइक यू एक्सेल द सब्जेक्ट एंड यू वर वेरी वेरी ब्रिलियंट इन दैट सब्जेक्ट. तो फॉर द ट्रांसक्रिप्ट प्रोसीजर टू हैपन और आपका एक ट्रांसक्रिप्ट स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपको एटलीस्ट सेटिस्फैक्ट्री सब में होने चाहिए. एंड आई प्रेफर कि अगर आपके गुड है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, एक्सेलेंट तो बेसिकली यू विल गेट एनी यूनिवर्सिटी,
एंड फॉर दैट प्रोसीजर. तो मैंने पूरा ट्रांसक्रिप्ट लिया मेरा, वो उसमें 10-14 डेज लगे थे मेरे को अप्रॉक्सीमेटली. एंड उसके बाद में मेरे हाथ में ट्रांसक्रिप्ट आ चुका था एंड आई वॉज गुड विद एवरीथिंग. मेरे कुछ सब्जेक्ट्स में गुड था, कुछ में एक्सलेंट था, कुछ में सेटिस्फैक्ट्री था, बिकॉज बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं एन एम बी बी एस एंड 19 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं और सारे सब्जेक्ट्स सबको पसंद नहीं होते. जो मेरे को पसंद थे उनमें काफ़ी अच्छा था, तो बेसिकली मेरे मेन सब्जेक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए आई वॉज एलिजिबल टू टेक अ ट्रांसफर. बिकॉज जो नई यूनिवर्सिटी है वो एक्सेप्ट कर रही थी, वो मेरे क्रेडिट्स को वैल्यू कर रही थी. तो फिर मैंने स्टार्ट किया लुकिंग फॉर यूनिवर्सिटी एंड डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ देखी मैंने. एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसीजर और ट्रांसक्रिप्ट निकालना और ट्रांसफ़र लेने का प्रोसीजर में हमको टाइम बहुत कम मिला था. बिकॉज जब हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे होते हैं तो हमारे पास में बहुत टाइम होता है सारी यूनिवर्सिटीज़ का सोचने का, देखने का. पर जब हम ट्रांसफ़र ले रहे होते हैं तो हमारे पास में थोड़ा कम टाइम होता है. तो मैंने जल्दी जल्दी सारा प्रोसीजर लिया एंड फाइनली मैंने समारा यूनिवर्सिटी चूज़ करी, विच आई एम स्टडिंग इन राइट नाउ. और इसके ऊपर मैं अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि ये किसी अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा बेसिकली, और कि क्या था, कैसे सारा प्रोसीजर हुआ. बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं यहाँ पर अक्टूबर में आ गया था. उसके बाद में यहाँ आने के बाद में मेरे को सारे क्रेडिट्स मैच कराने पड़े विद माय न्यू यूनिवर्सिटी विच इज़ समारा यूनिवर्सिटी. तो मैं अपना ट्रांसक्रिप्ट लेके गया एंड मैंने अपने सब्जेक्ट्स दिखाए उनको. जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे होते हैं वही सब्जेक्ट्स यूक्रेन में भी थे, और अगर यूक्रेन में मेरा वहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री से ऊपर था तो यहाँ पे मेरे को बेसिकली उस सब्जेक्ट्स के क्रेडिट्स मिल गए थे. तो मेरे को सारे सब्जेक्ट्स के क्रेडिट्स मिल गए एंड ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी. एक फिलोसफी एक छोटा सा सब्जेक्ट होता है विच इज़ नॉट इन इंडिया बट बाहर MBBS अब्रॉड में हर कंट्री में फिलोसफी पढ़ाई जाती है. तो वो यहाँ पे 2 सेमेस्टर की थी, तो मेरे को एक फिलोसफी का एक्स्ट्रा सेमेस्टर करना है विच इज़ नॉट अ बिग डील बिकॉज फिलोसफी इज़ नथिंग ऑफ अ बिग डील. लाइक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, तो उसको कवर अप करा जा सकता है ईजिली. एंड जस्ट वेट, आई शो यू माई दैट बुक, क्रेडिट बुक. हमको हर एक यूनिवर्सिटी में क्रेडिट बुक मिलती है, उसके अंदर आपके क्रेडिट्स होते हैं. वंस अगेन, यू गेट दीज काइंड ऑफ क्रेडिट बुक्स. ये बेसिकली एक छोटा सा मैनुअल होता है, बुक मैनुअल, जिसमें आपके पर्सनल क्रेडिट्स मार्क होते रहते हैं. तो कि ताकि बच्चा स्टूडेंट्स अपना खुद का क्रेडिट का एक वो रख के चले, लाइक उनको पता हो कि हर एक सब्जेक्ट में उसको क्रेडिट फुलफिल हो रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में उसको प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर अगर किसी भी रीज़न की वजह से उसके किसी भी सब्जेक्ट में क्रेडिट्स फुलफिल नहीं हुए हैं तो उसको वो री एग्ज़ाम देना पड़ेगा. अदरवाइज एट द एंड ऑफ द टेन्योर 6th ईयर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है. तो बेसिकली एक पर्सनल रिपोर्ट कार्ड होता है फॉर ट्रैकिंग, जिसमें आपको क्रेडिट्स मिलते जाते हैं. और जब मैंने ट्रांसफ़र लिया तो पूरा प्रोसीजर क्या था, लाइक यहाँ पे आने के लिए कितना होता है. तो ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा बिकॉज इट वॉज़ रशिया एंड इट इज़ अ रियली फ्रेंडली कंट्री. तो मेरे को सारे प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई. माई वीज़ा वॉज डन विद इन 10-12 डेज एंड एडमिशन लेटर और प्रोसीजर होता है यूनिवर्सिटी का, उसमें आपको अप्लाई करना होता है. आप खुद से अप्लाई कर सकते हो या फिर आप किसी एजेंट या फिर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अप्लाई कर सकते हो. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, वो पूरा फीचर्स होता है. तो यू शुड ऑब्वियसली लुक बाई योर सेल्फ. आप यूनिवर्सिटीज़ में मेल करो. मैंने सारी यूनिवर्सिटीज़ में मेल किया एंड मैंने शॉर्ट लिस्ट करी जो जो यूनिवर्सिटीज़ मेरे पास में थी. एंड आउट ऑफ दोज यूनिवर्सिटी आई चोज माई यूनिवर्सिटी विच इज़ समारा यूनिवर्सिटी, बिकॉज यहाँ का मेरे को ठीक लगा था. एंड सारा प्रोसीजर ज़्यादा हासिल नहीं था, बहुत इजी स्मूथ हो गया था बिकॉज वीज़ा में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. एंड लाइक अपन को यहाँ आने के लिए रशियन वीज़ा इज़ टू गेट अ रशियन वीज़ा फॉर इंडियन इट्स रियली इजी. आपको हार्डली 20 डेज चाहिए, और अगर आप इमरजेंसी सिचुएशन तत्काल में अप्लाई करेंगे तो आपको बेसिकली 12 डेज ही लगेंगे. सो वो सारा प्रोसीजर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. द मेन प्रॉब्लम, द मेन टाइम कंज्यूमिंग पार्ट इज़ कि आपको यूनिवर्सिटीज यूज़ करना, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको अलग अलग जगह पे देखना होता है कि यूनिवर्सिटीज़ डिसेंट और नॉट. और ये सारी रिसर्च आपको खुद ही करनी पड़ती है क्योंकि कोई भी आपको बताता नहीं है. और यूट्यूब पे फ्रैंकली अगर मैं बोलूँ तो काम की इन्फॉर्मेशन 10% है MBBS अब्रॉड में, और फालतू की इन्फॉर्मेशन 90% है. तो यूट्यूब एक बहुत ज़्यादा रिलायबल सोर्स नहीं होता है हर बार, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. वो मैं कभी आपको पर्सनली या फिर किसी एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर कि कैसे ये सारा इसको लाइक बेसिकली MBBS अब्रॉड को एक बिजनेस बना दिया है यूट्यूब और ये सारे कंसल्टेंट्स ने और इन एजेंट्स ने. तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी चूज़ करना. वो लोग लाइक मेरे साथ में ये मेरी पर्सनल स्टोरी है. एक एजेंट थे, मैं नाम नहीं लूँगा ऑब्वियसली बिकॉज प्रॉब्लम नहीं चाहता मैं यहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ में, और अपना मेंटल स्टेट को सेफ रखना चाहता और सिर्फ पढ़ाई करना ही यहाँ पे मेन मोटिव है. बट जब मैं ट्रांसफ़र का प्रोसीजर देख रहा था तो
इट वॉज रियली लेट एंड वो यूनिवर्सिटी में सीट्स कम बची थी और उनके पास में सीट्स थी बिकॉज ही वॉज अ रेनाउंड एजेंट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी. एंड आई आस्क्ड हिम, आई टेक्स्ट हिम कि मेरे को इस यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर लेना है. एंड वॉट ही सेड वॉज दैट आप पहले मेरे को $2,000 का ट्रांसफर फीस है इफ़ यू आर ओके विद इट देन आई विल कंटिन्यू एंड इफ यू आर नॉट देन ओके वील नॉट टॉक अबाउट इट. And which I thought was really, really rude because $2,000 is obviously a really big amount. It is somewhere around 1.56 lakhs for like. उन्होंने ढंग से बात भी नहीं करी, सिर्फ बोल दिया कि भाई आगे बात करनी है तो पहले $2,000 मेरी फीस है, अगर देना चाहते हो तो ही दो क्योंकि यूनिवर्सिटी कम है और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और मेरे कोई उनको पता था कि ये सीट कोई ना कोई ले ही लेगा तो वो उसकी बिडिंग कर रहे थे 2000, कोई और ज़्यादा देने वाला आया तो उसको और ज़्यादा में. तो बेसिकली वो वाला टाइम तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था. मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा इस कॉन्वर्जेशन का उनका नाम हटा के बिकॉज नाम डालना सही नहीं रहेगा. एंड ये सारा चीज़ तो बेसिकली इसमें तो स्टूडेंट को पर्सनली ही सब चीज़ें देखनी पड़ती है बिकॉज पेरेंट्स भी हेल्प नहीं कर सकते, उनको क्या पता है यार कि रशिया में क्या यूनिवर्सिटीज़ होती है, क्या सिस्टम्स होता है, आपको खुद ही ढूंढना पड़ता है, कोई भी आपके आपको बताएगा नहीं. और ये चीज़ तो है ही कि कोई भी जना अगर आपको आके एडवाइस दे रहा है या यूट्यूब पर ऐसा पब्लिश कर रहा है वीडियोज़ या फिर अपना पूरा वीडियो बना के एक पूरा चैनल इस्टेब्लिश कर रखा है तो बेसिकली उसका एक बिजनेस है. तो उसमें अगर आप जाओगे तो वो आपसे पहले खुद का फ़ायदा देखेगा, वो उसको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि आपको कहाँ बेचना है, उसको ये फ़र्क पड़ता है कि उसका कहाँ पे फ़ायदा है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी का एक रिनाउंड और या फिर उसको कौन सी यूनिवर्सिटी में बेसिकली ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं बच्चे बेचने के लिए, वो उसमें भेजेगा. तो इस वाली चीज़ के लिए तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा. और मैं सोच रहा हूँ कि एक स्पेसिफिकली अलग से वीडियो बना दूँ कि आप कैसे यूनिवर्सिटी देख सकते हो अच्छे से, लाइक वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल, बहुत सारी चीज़ें होती है सही बताऊँ अगर मैं तो एक यूनिवर्सिटी देखने के लिए. बट ऑब्वियसली जो भी फर्स्ट टाइम में आ रहे होते हैं या फिर जो न्यू एडमिशन ले रहे होते हैं उन सबको नहीं पता होता इन सब चीज़ों के बारे में. मेरे को भी ये सेकेंड ईयर में आके पता लगा जब मैं ऑलरेडी यूक्रेन पहुंच चुका था कि यार एक वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल करके भी एक चीज़ होती है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड के मेडिकल स्कूल्स को सर्टिफिकेट मिलता है, वहाँ पे स्पॉन्सर नोट्स भी होते हैं, अलग अलग रेटिंग्स भी होती है, GMC का भी होता है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं. तो या तो मैं उसका जल्दी एक वीडियो बना दूंगा या फिर किसी को अर्जेंटली पूछना है तो मैसेज कर देना, मैं उसको एक लिंक दे दूंगा जिससे वो अपनी यूनिवर्सिटी का ऑथेंटिफिकेशन चेक कर सकता है. बिकॉज सही बताऊँ मैं अगर तो रशिया में थोप के भाव की यूनिवर्सिटीज़ है, भर भर की यूनिवर्सिटीज़ है. एंड मैं स्पेसिफिकली एक यूट्यूब चैनल पर नाम नहीं ले सकता बट कई यूनिवर्सिटीज़ में तो इंडियंस भरे पड़े हैं, लाइक भरे पड़े हैं लिटरली. लाइक अगर आप वहाँ की सिटी की रोड पे वॉक करोगे तो आपको रशियन से ज़्यादा इंडियंस दिखेंगे, इतनी बुरी सिचुएशन है. एंड मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ये कोई बुरी है चीज़ है बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एक टाइम एक सैचुरेशन पॉइंट होता है हर एक जगह का, वो सैचुरेशन पॉइंट को क्रॉस कर चुके हैं और एजेंट्स बस उन सिटीज़ और यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे भरे जा रहे हैं बिकॉज यूनिवर्सिटी उनको अच्छे पैसे देती है तो बच्चे वहाँ भरे पड़े हैं भरे पड़े हैं. एंड टीचर्स भी बेसिकली एक सैचुरेट हो चुके हैं एक चीज़ से कि ऑब्वियसली अगर आप एक रशियन टीचर हैं और आपके पास में एक कन्फाइंड ग्रुप है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का तो आपके अंदर से आता है कि यार मैं इनको अच्छे से पढ़ाऊँ कि ये मेरे इनको मैं दिखाऊँ कि रशियन एजुकेशन कितना अच्छा है. जैसे आके बहुत सारे एफर्ट्स देते हैं. एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ मैं इसी के ऊपर, मेरे को अभी आ रही है एकदम से. अभी मेरे को टॉन्सिलाइटिस हुआ था कुछ दिन पहले एंड बिकॉज ऑफ द सिचुएशन मेरी थेरेपी की क्लास होती है. थेरेपी फॉर कॉन्टेक्स्ट इज अ सब्जेक्ट इन थर्ड ईयर जो कि प्रैक्टिकल होता है और वो क्लिनिक में जाके करना होता है. तो मैं अपना थेरेपी का दे रहा था और मेरा फाइनल्स था थेरेपी में प्रैक्टिकल स्किल्स का फाइनल, जिसमें ऑस्कल्टेशन एंड पल्पिटेशन करना होता है आपको ह्यूमन बॉडी के ऊपर और उसके ऊपर आपको टीचर मार्क्स देता है. अगर आपने ठीक करा है तो आप पास होते हैं, नहीं करा तो आपको वो रिवर्क देना पड़ता है उसका. तो मैं वो कर रहा था तो मेरा वो करने के बाद में जो मेरा यूनिवर्सिटी का डॉक्टर था जो मेरा थेरेपी डॉक्टर है ही इज़ अ रियली गुड डॉक्टर और वो लगभग 15 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे और वो उस क्लिनिक का जो हमारा क्लिनिक है उसका एक काफ़ी रिनाउंड और काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्टर है, मेन डॉक्टर है. तो उसने मेरे को क्लास के बाद में खुद ही डायग्नोस कर दिया, उसने मेरे को पूरा प्रिस्क्रिप्शन दिया, उसने मेरे को ऑस्कल्टेट किया, उसने मेरे को लाइक पूरा एक बताया कि तुमको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और ये सारी चीज़ें करो. तो ये चीज़ जो मैं समझाना चाह रहा था वो ये थी कि ये सारे एक्सपीरियंसेस और ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वही एक मेडिकल MBBS को इंटरेस्टिंग बनाता है. प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और मेरा ट्रांसफर लेने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही था कि ऑनलाइन रह के आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते हो, आप सिर्फ थ्योरी थ्योरी कितना नहीं पढ़ सकते हो बिकॉज थ्योरी आप भूल जाओगे, प्रैक्टिकल ही है जो आपको याद रखेगा. एंड इफ़ यू आर सीइंग समथिंग इन रियल लाइफ एंड इफ़ यू आर असिस्टिंग अ डॉक्टर इन रियल लाइफ देन studying about that same topic makes you more
एंथुजियास्टिक, लाइक आपने कोई चीज़ अभी अभी देखी है तो आप उसके ऊपर स्टडी करोगे तो आपको एक अलग पूरा फील आएगा उसके ऊपर पढ़ने में, आपको एक अलग इंटरेस्ट आएगा. एंड इफ यू आर जस्ट रीडिंग समथिंग ऑनलाइन फॉर मंथ्स एंड मंथ्स, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ नॉट गुड फॉर मी. हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए वो अच्छा हो, बट मेरे लिए या फिर जो जिनकी मेंटालिटी मेरे जैसी है, जिनकी हैबिट्स मेरे जैसी है, उनके लिए वो डिफिकल्ट हो सकता है. सो इस वजह से माई ट्रांसफर वॉज द फर्स्ट थिंग, एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. ट्रांसफ़र प्रोसीजर लेना, ट्रांसक्रिप्ट लेना, एंड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना. एंड बेसिकली हाँ, आप हर एक यूनिवर्सिटी को अपनी पर्सनल आईडी से मेल कर सकते हो, और अगर आपको हर एक यूनिवर्सिटी का मेल फाइंड आउट करना है, उसका कॉन्टैक्ट फाइंड आउट करना है, द ऑथेंटिक कॉन्टैक्ट, बिकॉज मैं सही बताऊँ तो यहाँ पे इतना स्कैम चल रहे हैं अभी कि यूनिवर्सिटीज़ की फेक वेबसाइट्स भी बना देते हैं एजेंट्स. तो इससे बचने के लिए आप वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स, एक ऑथेंटिक वेबसाइट है जहाँ पे वर्ल्ड के सारे मेडिकल स्कूल जाते हैं, वहाँ पे जाके आप अपनी यूनिवर्सिटी और अपनी सिटी, बेसिकली उसमें सर्च करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी का नाम डालना होता है और सिटी का नाम डालना होता है. तो ये डालने के बाद में आप सर्च कर सकते हो, और आपको वहाँ पे पता लग जाएगा कि वो यूनिवर्सिटी ऑथेंटिक है नहीं है. उसके कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे आपको कि टीचर्स या फिर जो उसके डीन्स है फॉर फॉरेन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनसे कैसे कॉन्टैक्ट करें. तो आप पर्सनल लेवल पर खुद बात करो, अब क्योंकि अब कोई भी बच्चे नहीं हो, कोई फर्स्ट ईयर में भी आ रहा है. तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि प्लीज़ थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खुद सर्च करो, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप कोई इसी गलत यूनिवर्सिटी में फंसे तो आपको कोई बचाने वाला नहीं आएगा. आप इंडिया में बैठे पेरेंट्स आपके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जाना ही क्यों जब आप पहले से कोई चीज़ डिसाइड कर सकते हो. तो वो उस चीज़ पे ऑब्वियसली ध्यान दो. एंड येस, सेकेंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं मैंशन करना चाहूँ इस वीडियो के एंड तक, एंड में, तो ये है कि रशिया में बायलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी सारी होती है. बायलिंगुअल क्या होता है कि थ्योरेटिकल आधा साल, और लाइक मेरा 6 ईयर का टेन्योर है, तो 3 ईयर इज़ थ्योरेटिकल एंड 3 ईयर इज़ प्रैक्टिकल. मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, मैं थर्ड ईयर में हूँ अभी, कंप्लीट होने वाला है, नहीं एक सेमेस्टर बचा है मेरा. तो बेसिकली बायलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, थ्योरी वाला पार्ट तो वो लोग आपको इंग्लिश में पढ़ा देते हैं, बट प्रैक्टिकल जो हॉस्पिटल्स में जाना होता है एंड बेसिकली आपको हर एक हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर को असिस्ट करना होता है, वो पार्ट वो लोग रशियन में रखते हैं. तो वो चीज़ ऑप्ट मत करो, क्योंकि आपके पास में ऑब्वियसली बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. ढंग से रिसर्च करो. मैं एक लिस्ट बनाना यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज मैं यूट्यूब पर डाल दूँ कि ये यूनिवर्सिटी बायलिंगुअल है, ये बायलिंगुअल है, इसमें मत जाओ, ये ख़राब है, ये अच्छी है, ऐसे करके. एक तो वो मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा, तो आप किसी का भी ओपिनियन फॉलो मत करो, आप खुद का ओपिनियन फॉलो करो, खुद रिसर्च करो और जो सही लगता है उसमें जाओ. एंड सेकंड, अगर मैं ऐसा डाल भी दूंगा तो उस यूनिवर्सिटी के एजेंट्स या फिर उस यूनिवर्सिटी में जिनको पता है ऑब्वियसली कि वो बायलिंगुअल है, फिर भी वो उसमें ला रहे हैं बच्चे, क्योंकि बिजनेस इज़ बिजनेस, धंधा सबसे बड़ा होता है. और तो वो लोग मेरा मेंटल पीस पूरा डिस्टर्ब कर देंगे, मेरे को कॉल्स करेंगे और सारी प्रॉब्लम करेंगे कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, हमारा बिजनेस यहाँ पर हो रहा है तुम्हारी वजह से, और वो सारी चीज़ें मैं नहीं चाहता हूँ. तो यस, आप खुद से रिसर्च करो, और अगर ऐसा कुछ लग रहा है आपको कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, तो मेरे को किसी भी हैंडल पे, इंस्टाग्राम हैंडल और मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपको बता दूंगा कि इस यूनिवर्सिटी का क्या सीन है एग्जैक्टली. बिकॉज हाँ, मैं ये चीज़ अभी इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज मैं थर्ड ईयर में हूँ और मैंने 2 साल यूक्रेन में रह चुका हूँ, और तब जाके मेरे को पता लगा कि एक्चुअल सीन क्या होता है. बट येस, आई कैन इमेजिन अगर कोई बंदा फर्स्ट ईयर में आ रहा हो तो उसको इतनी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो हमेशा से इंडिया में रहा है. मेरे को भी नहीं थी, इसलिए मैं समझ सकता हूँ. आई हैव बीन इन द सेम पोजिशन जिसमें कि अभी कोई नया जाना होगा. तो उस सिचुएशन में अगर आप कोई फंस गए हो, तो लिंक्स वगैरह पहले तो पूरा सर्च करो, और फंस गए हो तो पूछ लो, और कोशिश करो कि कोई ऑथेंटिक बंदा मिले. और यूट्यूब पे बेसिकली वो स्पॉन्सर वाले के पास तो बिल्कुल मत जाना भाई, जो बच्चों को बैठा के पूछते हैं कि तुम्हारे को कैसा लगा यहाँ आके हमारे थ्रू. भाई तुम सामने बैठ के बच्चे से पूछ रहे हो कि तुम्हें हमारे थ्रू यहाँ आके कैसा लगा, बच्चा कैसे बोलेगा कि उसको कोई प्रॉब्लम भी हुई होगी. तो और यहाँ पे नीचे नीचे बड़े बड़े उनके तीन तीन नंबर होते हैं बस, एडमिशन अब्रॉड. एंड व्हाइल एडिटिंग दिस वीडियो मैं ये पॉइंट भूल गया, मेरे को ये पॉइंट याद आया कि मैंने ये डाला ही नहीं है वीडियो में, कि बहुत सारे एजेंट एनएमसी लिस्ट की बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनएमसी की ऐसी कोई लिस्ट नहीं होती है. एनएमसी ने कभी कोई XYZ यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट नहीं बनाई है कि ये अप्रूव्ड है या नहीं है. एनएमसी ने एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं जो कि PDF फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन. आई लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. एंड जो भी XYZ यूनिवर्सिटी वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है, वो एनएमसी अप्रूव्ड हो जाती है. एनएमसी कभी लिस्ट नहीं बनाती है कि XYZ यूनिवर्सिटी को हमने अप्रूवल दिया है, नेवर. एंड ये बस एजेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एनएमसी सर्टिफाइड टू अट्रैक्ट मोर ऑडियंस टूवर्ड देयर ओन यूनिवर्सिटी. एंड यस, एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर वन थिंग दैट आई हैव यूज दिस XYZ यूनो एजेंसी.
एंड मैं जो भी एजेंसी का नाम मेरे दिमाग में आ रहा था मैं उसको गूगल करके देखा, देर वॉज ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग एजेंसी बाय द टीम इन इंडिया। एंड मेरे को इतने सारे इनोवेटिव आइडियाज़, मैं इतने सारे अलग अलग एस्पेक्ट से सोचा था कि मैं ये नाम रख देता हूँ मीम के लिए एज अ मीम, पर वो नाम भी इंडिया में अवेलेबल था ऑलरेडी एज एन एजेंसी। सो दैट वॉज वेरी डिप्रेसिंग, क्योंकि आधे घंटे, लिटरली आधे घंटे से कोई ऐसा नाम सोचने की कोशिश कर रहा था जो कि एजेंसी ना हो ऑलरेडी इंडिया में, बट आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड इट आउट एंड आई जस्ट नेम्ड इट XYZ एजेंसी। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, दिस इज द स्टडी एरिया ऑफ माई हॉस्टल एंड आई एम एडिटिंग माई वीडियो हेयर ओनली ऑन माई आईपैड मल्टी डिवाइस। सो दैट्स इट, नाउ कंटिन्यू विद द वीडियो। एक मैसेज करिए और आपका एडमिशन डन। हलवा थोड़ी है भाई, आप लोगों ने हलवा बना रखा है उसको, क्योंकि आपको तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ अपना फर्स्ट ईयर का कमीशन लेकर निकल जाना है। आप तो बच्चे के कॉल भी नहीं उठाओगे, आपको तो कुछ मतलब भी नहीं है उसके बाद में। तो ये सारी सिचुएशन से बचने के लिए खुद ही पहले रिसर्च कर लो भाई, अभी तुम्हारे पास में बहुत टाइम होगा, तो उस पर ज़्यादा ध्यान लगाओ। एंड आई विल कंक्लूड दिस वीडियो बिकॉज इसमें मैंने सारा बता दिया बेसिकली जो जो इंपॉर्टेंट था। एंड नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू मेक इज द इम्पॉर्टेंट वन, विच इज़ द डिफरेंसेज बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, कि मेरे को पर्सनल लाइफ में कैसा लगा, कि क्या क्या डिफरेंसेज थे, कैसे मेरे को ट्रीट कर रहा है यहाँ पे लोगों ने, और कैसे मेरे को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस जो मेरा रशिया में था एंड फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस जो मेरा यूक्रेन में था। एंड थर्ड वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ वो है कि यार यहाँ पे लाइफ कैसी है अभी एग्जैक्टली, क्योंकि सिचुएशंस और सैंक्शंस की वजह से क्या चल रहा है। एकदम इम्पॉसिबल नहीं है यहाँ पे रहना, ऑब्वियसली हम खुद भी रह रहे हैं, और यहाँ पे दिक्कत किस किस चीज़ की, और वो भी मैं सारी चीज़ें एकदम क्लियर बताऊँगा, ब्रांड्स है कि नहीं है, और ये चीज़ की अगर मान लो यहाँ से कोई ब्रांड गया है तो उसका ऑब्वियसली रशिया इज़ अ बिग कंट्री, उन्होंने उसको सब्स्टिट्यूट करने का ब्रांड विद इन मंथ्स डाल दिया है। अगर मैकडोनल्ड्स गया है तो उसका सब्स्टिट्यूट आ चुका है ऑलरेडी मार्केट में। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई कि अगर किसी ने भी रशिया से बायकॉट करा है या वो रशिया से चले गया है तो रशिया वर्क ही नहीं कर सकता उसके बिना, ऐसा कभी नहीं हो सकता बिकॉज इट्स अ रियली बिग कंट्री। एंड यस, जो मेन दिक्कत है यहाँ पे वो मैं बताना चाहूँ तो वो है स्विफ्ट ट्रांसफ़र की, जिसकी वजह से आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते इंडिया से पैसे डायरेक्टली यूजिंग द स्विफ्ट ट्रांसफ़र मेथड। उसके भी अलग अलग लूप होल्स है, बाइनेंस है, मे बी बाइनेंस तो मैं करके दिखा दूंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो